तो ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी हमारे अंदर से कहां से आती है, क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर कहां से आती है? जब माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होता है, माइंड पूरी तरह से एक जगह पर लगा हुआ होता है, उसमें हजार चीजें नहीं घूम रही होती, नहीं तो हमारी ब्रेन की ऐसी हालत हो जाती है जैसे कोई कंप्यूटर हैंग हुआ पड़ा। मोबाइल में आपने ऐप बहुत सारी डाउनलोड कर ली है, तो भैया टाइम आ गया फैक्ट्री सेटिंग्स को समझने का। समझे, बच्चे फैक्ट्री सेटिंग्स पे हैं, इसीलिए उनमें पूरी एनर्जी है। और इसका सोल्यूशन क्या है, अब आपको वापस से बच्चे के जैसा बनना है। इस दुनिया के बावजूद ये दुनिया जो बड़ों की दुनिया है, बड़े मतलब महामूर्ख जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, शरीर बड़ा हो गया है, ऐसे भी चारों तरफ से फैले पड़े हैं, मैच्योरिटी लेवल जीरो है। बच्चों में फिर भी मैच्योरिटी होती है, बच्चों को पता है कि कहीं कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो हाँ फिर भी सुन लो, समझ लो, ये कर लो, बड़ों में झेलेगी नहीं। तो रियल मैच्योरिटी इज व्हेन वी आर ईगर टू लर्न, व्हेन वी आर ओपन टू लर्न, पूरी तरह से हम अलर्ट है, अवेयर है हर मोमेंट में, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना इज इम्पॉर्टेंट, बोलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके अगर हज़ार क्वेश्चंस हैं, अगर उन सबके भी मैंने जवाब दे दिए ना, हर एक के हज़ार लाखों नए क्वेश्चन खड़े हो गए, समझने की कोशिश करो कहाँ से क्या बोल रहा हूँ। जब भी हम परेशान होते हैं हमारी एनर्जी कम होती है, जब हम परेशान नहीं होते हमारी एनर्जी अच्छी होती है, कमाल की होती है। तब देखो हम दुखी क्यों होते हैं, इट इज़ सो सिंपल। नंबर वन, हमको जो चीज़ें चाहिए सर्वाइव करने के लिए और वो हमारे पास में नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। चीजें कहां से आती है? पैसे से। तो पैसे की वजह से हम दुखी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, कभी ये मत कह देना कि नहीं होते। फंस जाओगे, उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाओगे, उल्टे सीधे बाबाओं के पास जाकर के धक्के खाओगे, उल्टी सीधे तरह की मेडिटेशन करोगे, मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रहता है? भैया तेरी जेब में पैसा नहीं है, पहले पैसा कमा जा रहा है। इट इज सो ऑब्वियस, समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना होगी।